हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, हमारे चंद्रयान को देखकर, चंद्रयान 3 को देख के पाकिस्तान को बहुत जलन हुई। उन्होंने कहा भैया, हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो उन्होंने भी अपना चंद्रयान जो है वो छोड़ा है। बिल्कुल। अब कौन सा छोड़ा है, क्या छोड़ा है, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। गुब्बारा छोड़ा उनके पास, गुब्बारे हैं, खाने के तो लाले पड़े, गुब्बारे कहाँ फैलाएंगे, है ना भाई। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो कौन सा इनका चंद्रयान है। अरे भाई, ये तो अपना है। ये क्या है? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नम्रता। 14 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए खास रहा। भारत ने नया कीर्तिमान रचते हुए दुनिया के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की और इसी के साथ दुश्मन देशों को छाती पीटने का मौका दे दिया। जी हाँ, एक तरफ भारत के मित्र देश हमारी खुशी में खुश हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान जैसे देशों की हालत खराब है। तभी तो पाकिस्तान ने भी जल्दबाजी में अपना घिसा पिटा चंद्रयान लॉन्च कर दिया। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। तुमने देखा है? अगर आप चाहेंगे कि पाकिस्तान ने सच में अपना चंद्रयान लॉन्च किया है, तो आपको यहाँ पर कहा कि वो असली चंद्रयान लॉन्च करे, और वो भी ऐसे वक्त में जब वहाँ पर भुखमरी के हालात। सोशल मीडिया पर एक बेहद मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे पाकिस्तान के चंद्रयान की लॉन्चिंग बताकर शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो कुछ सेकंड्स का है, लेकिन इसने सोशल मीडिया पर सबको हंसा हंसा कर। उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, इनका चंद्रयान उड़ गया। खुशी में तो खुश आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान में लैंड करता है, कहाँ करता है, मगर करेगा जरूर लैंड। फिर वो उसका टेंट बना के रहेंगे। अब इस वीडियो की सच्चाई भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान का चंद्रयान, जिसे कहा जा रहा है वो हॉट एयर बलून है, जिसे कुछ लोग उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये कपड़े का बना है। इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा जा रहा है कि भारत कैनवस का, ये पाक का मिशन चंद्रयान लॉन्च। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है, पुराना वीडियो है, लेकिन इसे अब तेजी से शेयर किया जा रहा है। कई बार ये देखा, वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने इस पर खूब मसले ने शुरू कर दिए। एक बार फिर से आप ये फनी वीडियो देखिए। ये कैनवस का बना होगा। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही बनो, ऐसे ही करो। ये कहाँ से लॉन्च किया था पता नहीं है, कौन सी साइट थी लॉन्चिंग? किसी गांव से, किसी की छत से। वहां से और रॉकेट भी ऐसे लॉन्च हो गए। खैर, मस्ती मजाक एक तरफ, और अब महसूस कीजिए वो गौरवान्वित कर देने वाले पल जब भारत का चंद्रयान उड़ान भर रहा था। बहरहाल, अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर। बड़ी राय रखते हैं। अरे वाह, प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। आवाज भी आ रही है, सुन नहीं रहे हो? पूरा दिखाना चाहिए। उत्थापन के साथ चंद्रयान 3 की बिल्कुल ही वहाँ से निकल जाए। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. Yeah, that's cool.
वो क्या देख लिया था हमने, पाकिस्तान का आंखें धोनी पड़ेंगी। चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। भीम का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। मजा ही आ गया। और जो जिस तरह से रोस्ट किया है ना, बेइज्जती की पाकिस्तान की, किसका दिमाग था? मैं तो वही सोच रही हूँ जिसने सबसे पहले वो वीडियो लगाया होगा, उन्होंने पाकिस्तान का सबसे पहले छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि भैया हमारी इतनी तौकात है नहीं है, हम इसी को पहले छोड़ गए। है भी रीयूजेबल, रीयूजेबल है पूरा उनका, कभी रीयूजेबल नहीं होगा। वो वहां पे जाके कहीं ऊपर जाएगा धीरे धीरे, उनकी जो भी है इंजन उसका थोड़ा फुस होने लगेगा, यहाँ तक जाएगा बस, उसमें वो होगा, उसमें इतना सा फ्यूल होगा, वो वहां तक थोड़ा सा ऊपर गया होगा, फिर फुस और वहीं। देखिए जो भी मजाक हो या ना हो, मगर इतना जरूर है कि जितने भी देश हैं उनको बहुत जेलसी हो रही है इंडिया से, जाता है इंडिया से जेलसी हो रही है। जितने भी आप ये कह सकते हैं कि ट्रू दोस्ती बहुत ही कम नेशन में होती है, तो मेजोरिटी जो है अंदर से तो सबको यही है कि वो हो। और इस बार गारंटी मुझे लग रही है, गारंटी है बॉस, इस बार सब बढ़िया होगा, इतनी मेहनत की है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट। यस, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा मजा आ जाएगा। हमने अभी वीडियो किए, मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में जाएगी, जिसमें वर्ल्ड के जो अलग अलग मीडिया में और बीबीसी और बाकी चैनल्स ने कैसे क्या बोला और कैसे उस न्यूज़ को कवर किया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना, वो ज़रूर देखना। उससे पता चलेगा कि पॉजिटिविटी कम और नेगेटिविटी अगर तो उससे ही पता चल जाता है कि अंदर से सबको यही है, क्योंकि खुद की कंट्री तो हुई नहीं है, तो उनको भी है कि भैया ये क्यों जा रहे हैं हमसे पहले, हमारी तो हुई नहीं है, तो वो प्रॉब्लम तो हर एक को होगी। पर ये तो बड़ा मज़ेदार था, इनका जो था इतना फट्टू दिखा रहे थे, और उसके बाद जब हमारा दिखाया, ओ हो, फिर रियलाइज होता है कि देखो हमारा कितना महान है। तो भैया कंपैरिजन किससे हो रहा है, वो पाकिस्तान जो इतना और है कि इंडिया का इतना महान, उनका वहीं पे बस ऊपर जाके थोड़ी देर के बाद फुस, और हमारा जा रहा है कहाँ। चलिए उनको एक्साइटमेंट हुई, हमें भी एक्साइटमेंट हो रही है, हमें अपनी एक्साइटमेंट है, अपनी क्षमता के हिसाब से हर कोई एक्साइटेड है। तो बिल्कुल, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।